तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है वहां। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी हो, या सारे देश के राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी हो, या पूरे देश के इस सभागृह के संसद सदस्य हो, राज्य में लोक प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हो, या देश के सारे लोक प्रतिनिधि स्थानिक स्वराज्य संस्था के हो, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर सेवक, ये सारे प्रतिनिधियों के प्रयासों से कोरोना योद्धा, कोरोना कार्यकाल में जिस कोरोना योद्धा ने जो काम किया है, ये सारे लोगों के माध्यम से आज अपना देश, भारत देश, कोरोना मुक्त भारत देश इस रास्ते से चल रहा है। साथ साथ में कोरोना के अनेक प्रकार हम लोगों ने देखे, कोरोना आया, डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस हुआ, अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, जा रहा है। मैं सोचता हूं ना आए तो अच्छा है, आने नहीं देना ये हम सबके हाथ में है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं, हम बहुत झगड़े हैं, बहुत लड़े हैं, बहुत परेशानी सहन की है, लेकिन इस भारत माता की कृपा से भारत में या पूरी दुनिया से ओमिक्रॉन नहीं आना चाहिए, ये मैं प्रार्थना भारत माता के पास कर रहा हूं। लेकिन एक बार मैं अभिनंदन करूंगा कि देश के सारे देशवासियों ने, भारत देश पे या पूरी दुनिया में जो कोरोना का आक्रमण हो रहा था, कोरोना जैसी एक महामारी आई थी, उस महामारी में लड़ने के लिए पूरा देश, अपने चाहे पक्ष कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक साथ खड़े हुए। चाहे उन्होंने शुरुआत की दिया जलाने का उपक्रम हो, थाली बजाने का उपक्रम हो, या अन्य बाकी के सारे वैक्सीन का उपक्रम हो, इस सारे उपक्रम में पूरे देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी को सहायता दी है, राज्य के मुख्यमंत्री जी को सहायता दी है। चाहे हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी का सरकार है, लेकिन उन्होंने इसमें राजनीति नहीं लाई। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जब मीटिंग ली, जब जब बैठक की, जो जो सूचना की, इसमें पूरी तरह से महाराष्ट्र के पास जो शासन है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की आज्ञा समझकर उस तरीके से नियमन करके महाराष्ट्र और मुंबई कोरोना मुक्त करने का प्रयास किया, और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं, लेकिन देश के मुख्यमंत्री और सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं। और एक अभिनंदन मैं इसके लिए करूंगा, इस सारे के सहयोग से चाहे दुनिया कोई भी कहे, अमेरिका जैसा महाबलवान देश, अन्य बड़े बड़े देश, लेकिन अपने हिंदुस्तान ने करके दिखाया कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी निर्मित से जो वैक्सीन निर्माण किया, उस वैक्सीन से पूरे देशवासियों को एक अच्छा एक निरोगी दीर्घायुष्य प्राप्त करके देने का एक मौका उन्हें प्राप्त हुआ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, तो अपने हिंदुस्तान में निर्माण की वैक्सीन से देश, दुनिया के कई देशों को भी भारत देश ने वैक्सीनेशन दिया, और इसलिए हम लोगों ने इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर चुके हैं, और ऐसे ही काम करते रहे, लोगों की बात सुनते रहे, और लोगों को जो चाहिए वो करते रहे, ऐसी मैं कामना प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं। सभापति महोदय जी, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश, मैं जैसा बताया कि इस कोरोना में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कई बार थोड़ा सा हुआ राजनीति का काम, जहां विपक्ष की राज्य सरकारें हो, वहां कुछ कम ज्यादा देना, आड़ा टेढ़ा कहना
और वहां के लोगों को डिमोरल करने का काम हुआ। जैसे कि मुंबई में करीब हम 1.5 लाख लोग मरेंगे, ऐसे कोई लोग बोलते थे। लेकिन सद्भाग्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में वहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जो काम किया महाराष्ट्र में और मुंबई में, इसीलिए मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी कोरोना दूर हटाने का काम आज हो चुका है। इतने नहीं कि मुंबई में धारावी जैसे बड़े झोपड़पट्टी के जो शहर है, सबको चिंता थी कि धारावी का क्या होगा, मुंबई के झोपड़पट्टी का क्या होगा। लेकिन धारावी के हमारे सांसद राहुल सेवाले जी है, उन्होंने भी वो बताएंगे, वो भी इसके ऊपर विचार अपने व्यक्त करने वाले। लेकिन धारावी जैसे बड़ी झुगी झोपड़पट्टी के बस्ती में भी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से और वहां के सारे कोरोना योद्धा, सामाजिक संस्था, लोक प्रतिनिधि, सारे राजनीतिक दल, इन्होंने सारे लोगों ने इकट्ठा कर एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरे दुनिया को दिखाया, अगर आपको कोरोना से मुक्ति चाहिए तो धारावी पैटर्न का अमल करें। वो दिखाया और धारावी आज कोरोना मुक्त हो चुकी है। मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनंती तो हम लोग बार बार करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त भी, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य सेक्रेटरी हो, बार बार इसके ऊपर निर्देश देते थे, मदद करने के लिए कुछ गाइडलाइन देते थे, और जो केंद्र सरकार के माध्यम से जिसकी मदद करने के लिए जाने वाले थे उसके बारे में बोल रहे थे। मैं उस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने भी हमें सभी सारे सांसदों को एक खत लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार के माध्यम से कई मदद राज्य सरकारों को करने वाले हैं, उसका ब्यौरा इस पत्र में दिया था। और उसमें लिखा था वेंटिलेटर्स, ड्रग्स, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए प्लांट, ईटीसीए सब था। लेकिन क्या हो गया सभापति महोदय, दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूं कि टीका टिप्पणी नहीं, जो लेकिन असलियत है वो कई चीजें इस चर्चा के माध्यम से, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी के जानकारी में लाने के कर्तव्य हमें निभाना ही पड़ेगा। इसके लिए उस वक्त पीएम केयर फंड के माध्यम से कोरोना के कार्यकाल में कई मदद की गई, लेकिन उसमें भारी मात्रा की आवश्यकता थी पीएसए प्लांट, वेंटिलेटर, ड्रग और बाकी की जो मदद करने की आवश्यकता थी। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो कोरोना के कार्यकाल में पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर दे चुके थे, जो पीएसए प्लांट देने की व्यवस्था हुई थी, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि पीएम केयर के माध्यम से जो वेंटिलेटर दिए गए थे उसमें से 60% वेंटिलेटर आज भी काम में नहीं है, आज भी नहीं है। और ये मंत्री जी को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि मंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का उसमें कोई कसूर नहीं है, उसमें गलती नहीं है। लेकिन जिस एजेंसी को ये काम दिया था उन्होंने पैसा लिया, लेकिन थर्ड क्वालिटी के वेंटिलेटर वहां सप्लाई किए, और जो टेक्नीशियन देने की आवश्यकता थी, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी वेंटिलेटर सप्लाई जिस एजेंसी के माध्यम से हुई थी सभापति महोदय, उनके टेक्नीशियन वहां जा नहीं रहे थे, गांव तक पहुंच नहीं रहे थे। इसके लिए हजारों की संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वेंटिलेटर दिए थे वो लोगों के उपयोग में नहीं आए। इस चर्चा के माध्यम से मैं विनंती करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से, मंत्री महोदय मांडविया जी एक अच्छे कामयाब होने वाले मंत्री है, मुझे आदर है उनके प्रति, कभी भी जाए उनके पास कुछ भी कहे तुरंत मदद करते हैं। लेकिन उनके ऐसे कोऑपरेटिव नेचर का दुरुपयोग जो ठेकेदारों ने की करके लोगों को तकलीफ देने का काम किया, उस ठेकेदारों को उस सप्लाई करने वाले एजेंसी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे वेंटिलेटर वैसे पीएसए प्लांट,
मेरे जानकारी से देश में कम से कम 2,250 पीएसए प्लांट लगाने का आदरणीय पंतप्रधान जी ने एक ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ पूरे देश में जो पढ़ा था मैं समाचार में, कम से कम 1,573 पीएसए प्लांट में से सिर्फ 316 पीएसए प्लांट एक्टिव हो चुके, बाकी के एजेंसी ने एक एक वर्ष होने के बावजूद भी वहां फाउंडेशन किया, सीमेंट डाला, फाउंडेशन किया, लेकिन आज तक कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या अन्य हॉस्पिटल में पीएसए प्लांट बना बिठाए नहीं है, चालू किए नहीं है। इसके लिए इस काम में भी जिन्होंने बदमाशी की है, सरकार के पास से पैसा लिया, लेकिन पैसा लेने के बाद भी केंद्र सरकार का नाम बदनाम करने का काम किया, ऐसे ठेकेदारों को पकड़कर उनको जेल में डालने की आवश्यकता है। ये सरकार और जनता का किया हुआ विश्वासघात है, ऐसे ठेकेदारों को माफी करना आवश्यक नहीं है। सभापति महोदय, कार्यकाल में रेमडेसिविर का भी कई जगह पे कालाबाजार हो चुका, लेकिन अभी ठीक है, अभी रेमडेसिविर अच्छा है, पीएसए प्लांट भी कई राज्यों ने खुद के फंड से किए हैं। और वहीं शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था, जहां कोरोना के नए वेरिएंट पर सदन में चर्चा की गई। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।